बसमिल्स आई एम मोहम्मद उस्मान अली यूर मैथमेटिक्स टीचर स्टूडेंट्स जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में रैथमेटिक सीरीज को डिस्कस कर रहे थे आज भी हम एक्सरसाइज 6.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज सिक्स का प्रॉब्लम नंबर फाइव है सीरीज इज थ्री आर प्लस टर्म हमें दी गई है जनरल टर्म को मैंने आपको बताया था एन से रिप्रेजेंट कर लें आर से रिप्रेजेंट कर लें एक ही बात है तो यहाँ पे हमारे पास आर से रिप्रेजेंट है गिवन डेट गिवन डैट आर एच स्टर्म को हम ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे एन एच स्ट्रम को जैसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो आर एच स्ट्रम को हम ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे डेट इज थ्री आर प्लस वन आर को हम वन पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी टू पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी पुट आर इक्वल टू वन आर को वन पुट कर रहे हैं हम तो ये आएगा ए वन इक्वस टू थ्री इंटू वन प्लस वन थ्री प्लस वन इक्वस टू फोर ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई अब हम, R को put put R 2, तो हम आर को टू पुट करेंगे पुट आर इक्वस टू टू तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी दैट इज ए टू इक्वस टू थ्री इंटू टू प्लस वन सिक्स प्लस वन इक्वस टू सेवन तो यहाँ से हमारे पास डी फाइंड हो सकता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो डी आ जाएगा ए टू माइनस ए वन डेट इज सेवन माइनस फोर इक्व टू थ्री और एन कितनी टर्म्स का हमने सम करना है ट्वेंटी टर्म्स का तो एन इक्व टू ट्वेंटी हमें गिवन दिया गया है सम करने के लिए फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं डेट इज एस एन इक्व टू एन बाय टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसमें अब हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे दैट इज़ इक्वस टू एस ट्वेंटी ट्वेंटी टर्म्स का हमने सम करना है ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए वन हमें गिवन दिया गया है फोर प्लस नाइन्टीन इंटू डी हमें फाइंड कर लिया है थ्री दैट इज़ इक्व टू एस ट्वेंटी इक्व टू टेन इंटू एट प्लस नाइन्टीन थ्री ज फी सेवन फिफ्टी सेवन प्लस एट सिक्सटी फाइव हो जाएगा एस ट्वेंटी इक्व टू टेन मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी फाइव तो ये हो जाएगा 650 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्लियर स्टूडेंट आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जी स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर सिक्स इफ एस एन इज इक्वल टू एन इन टू एन माइनस वन देन फाइंड द सीरीज हमें एन टर्म्स का सम दिया गया है हमने सीरीज को फाइंड करना है सोल्यूशन देखें गिवन एस एन इक्वस टू इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा टू एन स्क्वेयर माइनस एन क्लियर अब हम एन को वन पुट करते हैं पुट एन इक्व टू वन तो हमारे पास जो हमें एन टर्म्स का सम दिया गया है उसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी और एक्चुअली हमारे पास सीक्वेंस की भी फर्स्ट टर्म वही होगी तो हम इसको लिख सकते हैं एस वन इक्व टू ए वन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म भी वही होगी और जो सम आ रहा है उसमें भी हमारे पास फर्स्ट टर्म वही होगी का इज ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई क्लियर एन को टू पुट करेंगे तो हमारे पास पहली दो टर्म्स का सम आ जाएगा यानी कि एस टू हमारे पास आ जाएगा पुट एन इज इक्वस टू टू लेकिन ये हमारे पास सीक्वेंस की सेकेंड टर्म बिल्कुल भी नहीं होगी और सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है सीरीज़ बन जाती है एस टू इज इक्व टू टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू डेट इज इक्व टू टू इंटू फोर माइनस टू एट माइनस टू इक्व टू सिक्स यह हमारे पास क्या है पहली दो टर्म्स का सम आया है हमारे पास एस टू यह हमारे पास सेकेंड टर्म बिल्कुल भी नहीं आई अगर हमने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है ए टू हम फाइंड करना चाहते हैं तो देखें ये पहली दो टर्म्स का सम है ये सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म है पहली दो टर्म के सम में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ जाएगी इसको हम लिख सकते हैं एस टू माइनस एस वन डेट इज इक्वस टू सिक्स माइनस वन इक्व टू फाइव अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं ए वन भी आ गई है ए टू भी आ गई है कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं डी इज इक्वस टू ए टू माइनस ए वन इक्व टू फाइव माइनस वन फोर का हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा वन फाइव फिर फाइव में फोर ऐड किए नाइन फिर उसमें फोर ऐड किए थर्टीन जब हम सीक्वेंस की टर्म्स को सम कर देते हैं तो क्या बनती है सीरीज बनती है और हमने फाइंड भी क्या करना था सीरीज फाइंड करनी थी हेंस सीरीज इज क्या सीरीज आई है जी फर्स्ट टर्म है वन प्लस सेकेंड टर्म है हमारे पास फाइव प्लस फिर फोर का डिफरेंस नाइन प्लस थर्टीन प्लस अप टू सोन इज द रिक्वायर्ड सीरीज क्लियर फ्रेंड्स आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जिस नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर सेवन द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ ऑफ द टू सीरीज इन एरेटिक प्रोग्रेशन इज थ्री एन प्लस टू रेशियो एन प्लस वन फाइंड द रेशो ऑफ देर एर्ट्थ टर्म हमने एर्थ टर्म की रेशो फाइंड करनी है तो हम दो सीरीज़ को लेट कर लेते हैं फर्स्ट सीरीज़ देखें एस एन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेट लेट एस एन इक्व टू ए वन प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी ए वन प्लस डी प्लस थर्ड टर्म क्या होगी ए वन प्लस टू डी प्लस अप टू सोन एन एथ टर्म हमारे पास क्या होगी ए वन प्लस एन माइनस वन इन डी ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज आ गई है एंड सेकेंड सीरीज़ इज़ उसको हम एस एन डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए वन डैश उसकी फर्स्ट टर्म आ गई प्लस ए वन डैश प्लस डी डैश ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई प्लस ए वन डैश प्लस टू डी डैश ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई प्लस अप टू सोन एन एच टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वन डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश तो ये हमारे पास एनए टर्म आ गई बी द टू सीरीज इनको हम लिख लेते हैं बी टू सीरीज देन बाय द गिवन कंडीशन देन बाय द गिवन कंडीशन क्या कंडीशन है जी इन दोनों के सम की जो रेशो है एस एन रेशो एस एन डैश डैट इज़ इक्व टू थ्री एन प्लस टू थ्री एन प्लस टू रेशियो एन प्लस वन ये हमें गिवन दी गई है हम जानते हैं कि हम रेशियो को डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डैट इज़ इक्वस टू एस एन डिवाइड बाय एस एन डैश इक्व टू थ्री एन प्लस टू डिवाइड बाय एन प्लस वन अब इनके सम के फार्मूलाज हमें आते हैं हम उसके फार्मूलाज को पुट करते हैं आइए दैट विल बी इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला एन बाय टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय एन बाय टू इंटू टू ए वन डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश इक्वल किसके आज सेम उसी तरह से थ्री एन प्लस टू थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन क्लियर अब एन बाय टू एन बाय टू ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बाकी हमारे पास बचेगा टू ए वन टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय टू ए वन डैश ये सेकेंड वाली सीरीज़ है एन माइनस वन इंटू डी डैश देट इज़ इक्व टू थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन अब इसमें से अगर मैं टू कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा टू इंटू ए वन प्लस अब यहाँ पे टू है नहीं तो टू से डिवाइड हो जाएगा एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू डी होल डिवाइडेड बाय टू इसमें से भी मैं कॉमन ले रहा हूँ ये बन जाएगा ए वन डैश प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू डी डैश इक्व टू थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास ये हमारे पास बचेगा ए वन प्लस ए वन प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू डी होल डिवाइडेड बाय ए वन डैश प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू डी डैश इक्व टू थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन क्लियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक रफ वर्क समझा रहा हूँ ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसमें नहीं लिखना सिर्फ ये आपके समझने के लिए है देखें अगर हमें सेकेंड टर्म दी गई हो को सीक्वेंस uh, की कोई भी अरेथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए टू इज इक्वल्स टू ए वन प्लस डी से अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वन प्लस टू डी से ऐसे ही है इसी तरह से अगर मैं फिफ्थ टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहूँ ए फाइव को तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा ए वन इसमें से वन इस माइनस हो जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा फोर डी इसी तरह एन एथ टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्व टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी यहाँ पर जो एन दिया गया हो उसमें से वन माइनस हो जाता है अब हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है हमें एर्थ टर्म का रेशियो फाइंड करनी है तो एट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वन प्लस सेवन डी तो हमारे पास ए टर्म आएगी तो एक्चुअली इसको समझाने का मकसद ये है कि डी के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए सेवन आना चाहिए तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इक्वल होगा सेवन के इक्वल होगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्लियर है आइए इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स ये बन जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इक्व टू सेवन एन माइनस वन टू फोर्टीन एन टू फिफ्टीन इसको अम्पुट कर देंगे एन इक्वस टू फिफ्टीन हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए वन प्लस ए वन प्लस फिफ्टीन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू डी होल डिवाइडेड बाई ए वन डैश प्लस फिफ्टीन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू डी डैश इक्वस टू थ्री इंटू फिफ्टीन प्लस टू होल डिवाइडेड बाई फिफ्टीन प्लस वन प्लीज फ्रेंड्स यह बन जाएगा हमारे पास ए वन प्लस सेवन डी होल डिवाइडेड बाय ए वन डैश प्लस सेवन डी डैश इक्व टू फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय थ्री फोर्टी फाइव प्लस टू फोर्टी सेवन सिक्सटीन और ए वन प्लस सेवन डी को हम क्या लिखेंगे एट यह आ जाएगा एट डिवाइड बाई एट डैश दैट इज़ इक्वल्स टू फोर्टी सेवन डिवाइड रिक्वायर्ड रेश हम इसको लिखेंगे ए एट रेशो ए एट डैश इज इक्वल टू फोर्टी सेवन रेशो सिक्सटीन इज द रिक्वाड रिक्वायर्ड रेशर एट टर्म क्लियर स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं ने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जिस तरह तो ने नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर एट इफ़ एस टू एस थ्री एस फाइव आर द सम्स सम थ्री एन एंड फाइव एंड टर्म्स ऑफ एन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि एस एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास एन टर्म्स का सम है तो एस टू कितनी टर्म्स का सम है टू एन टर्म्स का सम है इसी तरह एस थ्री कितनी टर्म्स का टर्म सम है थ्री एन टर्म्स का और एस फाइव जो है वो फाइव एन टर्म्स का सम है तो हम उसको लिख लेते हैं सोल्यूशन एस टू डेट इज इक्वस टू टू एन डिवाइडेड बाई टू एन की जगह पे टू एन आ जाएगा इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन की जगह पे टू एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा तो ये हमारे पास टू एन टर्म्स का सम हो गया इसी तरह से एस थ्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एस थ्री इज इक्व टू थ्री एन एन की जगह पे थ्री आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए वन प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी ये हमारे पास थ्री एन टर्म्स का सम आ गया इसी तरह से एस फाइव फाइव एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए वन प्लस फाइव एन माइनस वन इन डी तो ये हमारे पास फाइव एन टर्म्स का सम आ गया हमने शो क्या करना है वी हैव टू शो डैट एस फाइव वी हैव टू शो डैट एस फाइव इज इक्व टू फाइव इंटू एस थ्री माइनस एस टू ये हमने शो करना है तो हम इसके राइट हैंड साइड ले लेते हैं राइट हैंड साइड दैट इज इक्वस टू फाइव इंटू एस थ्री माइनस एस टू और इसमें हम वैल्यूज पुट करके हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं आइए जी स्टूडेंट्स अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं डेट इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा फाइव इंटू एस थ्री की वैल्यू है थ्री एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए वन प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी फिर माइनस एस टू की वैल्यू है टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए वन प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी एन ब्रैकिट क्लोज क्लियर क्या कॉमन आ रहा है n बाई टू इसमें भी है n बाई टू इसमें भी है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं दैट इज इक्व टू फाइव एन डिवाइडेड बाई टू यहाँ से बचेगा थ्री इंटू टू ए वन प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्री एन डी माइनस डी और यहाँ से बचेगा एन बाई टू हम कॉमन ले चुके हैं माइनस टू इंटू टू ए वन प्लस टू एन डी माइनस डी क्लियर देखें अब थ्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइव एन डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री टू ज सिक्स ए वन प्लस थ्री थ्री ज नाइन एन डी माइनस थ्री डी माइनस टू टू ज फोर ए वन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फोर एन डी फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू डी क्लियर देखें जी यह आ जाएगा जी फाइव एन डिवाइडेड बाय टू इंटू सिक्स ए वन माइनस फोर ए वन टू ए वन बच जाएगा प्लस नाइन एन डी माइनस फोर एन डी कितना बचेगा फाइव एन डी बच जाएगा फाइव एन डी माइनस थ्री डी प्लस टू डी तो माइनस डी बच जाएगा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है डी कॉमन आ रहा है डेट इज इक्व टू फाइव एन डिवाइडेड बाई टू इन टू टू ए वन प्लस फाइव एन माइनस वन और इसमें से डी हमने कॉमन ले लिया तो देखें ये क्या बन गया है ये हमारे पास एस फाइव का जो फाइव एन टर्म्स का सम है वही बन गया है तो डेट इज़ इक्वल्स टू हम इसको लिख देंगे डेट इज़ इक्वल्स टू एस फाइव इक्वल टू लेफ्ट एंड साइड यही हमने प्रूव करना था इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था क्लियर स्टूडेंट आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जिस पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर नाइन ऑप्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट थाउजेंड इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय फाइव नॉर बाय टू इनको हम लिख लेते हैं हमें थाउजेंड में से ऐसे इंटीजर चाहिए जो फाइव पे भी डिविजिबल ना हो और टू पे भी डिविजिबल ना हो द इंटीजर्स इंटीजर्स इन फर्स्ट थाउजेंड इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय नाइदर डिविजिबल बाय फाइव नॉर बाय टू आर देखें जी सबसे पहले हमारे पास वन एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही फाइव पे डिविजिबल है ना ही टू पे डिविजिबल है नेक्स्ट उनका हमने सम करना है तो वन प्लस टू टू पे डिविजिबल है थ्री फिर फोर अगेन टू पे डिविजिबल है फाइव फाइव पे डिविजिबल है सिक्स टू पे डिविजिबल है सेवन फिर एट अगेन टू पे डिविजिबल है नाइन दोनों पे डिविजिबल नहीं है टेन टू पे भी डिविजिबल है और फाइव पे भी डिविज़िबल है इलेवन फिर ट्वेल्व टू पे डिविजिबल है थर्टीन 14, टू पे डिविजिबल है फिफ्टीन फाइव पे डिविजिबल है सिक्सटीन टू पे डिविजिबल है सेवेंटीन प्लस एटीन फिर डिविजिबल है नाइन्टीन ट्वेंटी डिविजिबल है ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी टू डिविजिबल है ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फोर डिविजिबल है ट्वेंटी फाइव डिविजिबल है ट्वेंटी सिक्स डिविजिबल है फिर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन प्लस फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्वेंटी एट डिविजिबल है ट्वेंटी नाइन प्लस अब हम एंड से लिख लेते हैं कहाँ तक जाना है हमने थाउजेंड तक जाना है तो नाइन नाइन्टी डिविजिबल है नाइन प्लस अप टू सोन अप टू सोन नाइन वन डिविजिबल नहीं है फिर प्लस नाइन डिविजिबल टू है नाइन थ्री डिविजिबल नहीं है प्लस नाइन नाइनटी फोर टू पे डिविजिबल नाइन नाइनटी फाइव फाइव पे डिविजिबल, नाइन नाइनटी सिक्स टू पे डिविजिबल नाइन सेवन प्लस नाइन नाइन्टी एट डिविजिबल है लास्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन नाइन्टी नाइन आ जाएगा क्लियर अब इस तरह से हमें तो बहुत सारे ये लिखने पड़ जाएंगे हम क्या करते हैं हम देखते हैं कोई इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो ऐसा भी कुछ नहीं है तो हम चार चार को मिला लेते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा वन प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस नाइन इन चार को मिला लेते हैं प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस सेवनटीन प्लस नाइनटीन इन चार को मिला लेते हैं प्लस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस अप टू सोन नाइन नाइन्टी वन प्लस नाइन नाइन्टी थ्री प्लस नाइन नाइन्टी सेवन प्लस नाइन नाइन्टी नाइन इनको हम सम करके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं सेवन प्लस थ्री टेन नाइन प्लस वन टेन तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है ट्वेंटी आ रहा है प्लस सेवनटीन प्लस थर्टीन सेवन प्लस थ्री टेन टेन प्लस टेन ट्वेंटी थर्टी आ रहा है नाइनटीन प्लस इलेवन ये भी हमारे पास थर्टी है तो थर्टी प्लस थर्टी ये हो जाएगा सिक्सटी प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी थ्री ये हमारे पास हो जाएगा फिफ्टी इसी तरह ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी वन अगेन ये हमारे पास फिफ्टी हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट नंबर हंड्रेड प्लस अप टू सोन ये जाएगा जी नाइन नाइन्टी वन प्लस नाइन नाइन्टी थ्री प्लस नाइन नाइन्टी सेवन प्लस नाइन नाइन्टी नाइन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सीरीज़ बन गई है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा फोर्टी सेकेंड हम माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये हमारे पास प्रॉपर एथमेटिक सीरीज बन गई है अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं तो आइए हम फाइंड करते हैं इसका जी स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म हमें दी गई है ए वन ए वन इक्व टू ट्वेंटी डी है जी सेकेंड टर्म फो सिक्सटी माइनस ट्वेंटी इक्व टू फोर्टी आ जाएगा लास्ट टर्म है हमारे पास ए एन दैट इज इक्व टू थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो एन हमने फाइंड करना है प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एन फाइंड करने का शॉर्टकट मैंने आपको बनवाया था मैंने कहा था इसको याद रखिएगा हम आगे फाइंड भी करेंगे ए एन माइनस ए वन डिवाइड बाई डी प्लस वन तो यह आ जाएगा थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर्टी प्लस वन तो यह आ जाएगा थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी फोर्टी प्लस वन इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी फोर्टी नाइन्टी नाइन तो यह आ जाएगा जी एन हमारे पास आएगा एन इक्व टू नाइन्टी नाइन प्लस वन इक्व टू हंड्रेड अब हम इसमें फार्मूला लगा लेते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दी गई है तो एस एन इक्व टू एस एन इक्व टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन डेट इज इक्वल्स टू एस हंड्रेड हंड्रेड बाई टू फर्स्ट टर्म है ट्वेंटी प्लस लास्ट टर्म है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी दैट इज इक्वस टू एस हंड्रेड ये आ जाएगा जी फिफ्टी इंटू इसको कंप्लीट कर देते हैं इसमें ट्वेंटी ऐड होगा तो ये हो जाएगा फोर थाउजेंड फोर फाइव ट्वेंटी तो एस हंड्रेड हमारे पास आएगा टू लैख क्लियर यही हमने इनका सम हमने फाइंड करना था डेट इज इक्वस टू टू लैख हमारे पास इसका सम आ गया क्लियर फ्रेंड आई मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जिसमें uh, एक इक्वेशन दी गई है एंड ए वन उसने हमें गिवन दिया गया है हमने एस नाइन को फाइंड करना है तो देखें हमारे पास क्या दिया गया है हमें उसने क्या है एस एट और एस नाइन आर द सम फर्स्ट एट एंड नाइन टर्म्स ऑफ अरेथमेटिक प्रोग्रेशन तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्व टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर हमें एट टर्म्स का सम फाइंड करना है तो एन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे एट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एस एट इक्व टू एट बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एट माइनस वन इंटू डी ए वन भी हमें गिवन दिया गया मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एस एट इक्व टू फोर इंटू टू इंटू टू प्लस सेवन डी सो डैट इज़ इक्व टू एस एट इक्व टू फोर इंटू फोर प्लस सेवन डी अब डी हमें नहीं पता कि डी हमारे पास क्या है फोर को हम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एस एट इक्व टू सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी एट डी इसको हम कह लेते हैं वन इसी तरह से हम एस नाइन कर सकते हैं एस नाइन हमारे पास आएगा एस नाइन इक्व टू नाइन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी यहाँ पर मैंने एन की जगह पे क्या पुट कर दिया नाइन अब हम ए वन की वैल्यू पुट करते हैं डेट इज़ इक्वल्स टू एस नाइन इक्वस टू नाइन बाई टू इंटू टू ए वन हमारे पास टू है प्लस नाइन माइनस वन तो एट डी आ जाएगा एस नाइन इक्व टू नाइन बाई टू दोनों में से टू कॉमन है मल्टीप्लाई बाय टू इन टू टू प्लस एट डी टू से टू ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा एस नाइन इक्व टू ये बच जाएगा फोर डी हमारे पास बच जाएगा क्योंकि टू हमने कॉमन ले लिया है तो फोर डी बचेगा देट इज़ इक्वस टू नाइन टू ज़ा एटीन प्लस नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स डी इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर टू अब गिवन कंडीशन क्या है जी ये हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई है लिखते हैं कंडीशन फिफ्टी एस नाइन इक्व टू सिक्सटी थ्री एस एट वन और टू से हम एस नाइन और एस एट की वैल्यूज़ पुट करते हैं डेट इज इक्वल्स टू फिफ्टी एस नाइन की वैल्यू है एटीन प्लस थर्टी सिक्स डी इज इक्व टू सिक्सटी थ्री एस एट की वैल्यू है सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी एट डी क्लियर हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी इसको लिख लें साथ फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू वन और टू से हमने इसकी वैल्यूज पुट की है क्लियर इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय एटीन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय एटीन

अब 1800 डी में से ये माइनस हो जाएगा एंड ये इसमें से माइनस हो जाएगा इसको हम लिखेंगे 1800 डी माइनस 1764 डी इक्वल्स टू 1008 माइनस 900 तो ये कितना बचेगा ये बच जाएगा जी 1800 हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स डी इक्वल्स टू वन ज़ीरो एट D is equals to वन जीरो एट डिवाइड बाई थर्टी सिक्स डी आ जाएगा वन जीरो डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स तो D हमारे पास आएगा थ्री ए वन भी आ गया D भी आ गया इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं टू में क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है एस नाइन हम फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन टू पुट इन टू टू में हम पुट करते हैं तो हमें एस नाइन फाइंड करना था वो हमारे पास आ जाएगा आइए पुट करते हैं हम इसको एस नाइन इक्वस टू यह आ जाएगा जी एटीन प्लस थर्टी सिक्स डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास थ्री आई है यह आ जाएगा एस नाइन इक्वस टू एटीन प्लस थर्टी सिक्स थ्री का वन जीरो एट आ जाएगा वन जीरो एट में जब हम एटीन ऐड करेंगे तो यह बन जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स एस नाइन टू वन ट्वेंटी सिक्स और यही हमने फाइंड करना था क्लियर स्टूडेंट स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़